हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज कांसेप्ट ऑफ इको के बारे में। ठीक है, हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 12 कर रहे थे, दैट इज साउंड। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 10। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था दैट इज साउंड क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, और उसी के साथ साथ मैंने अभी तक आप लोगों को दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से सीखना है, हर एक टॉपिक इस चैप्टर का चैप्टर 12 का अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 और चैप्टर 11, इन सभी चैप्टर का हर एक टॉपिक मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अगर आपको सारा टॉपिक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दिया। ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को चैप्टर क्लास 9 साइंस का दैट इज चैप्टर 8, चैप्टर 9 का जितना भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था दैट इज एक्सरसाइज का और इनसाइड द बुक का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता है सबका। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इको का, लेकिन इको से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि साउंड रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और साउंड क्या होता है। तो अगर साउंड जो भी साउंड कोई भी हार्ड सर्फेस से टकराता है तो टकरा के जो वापस आता है ठीक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ साउंड इको भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे जब हम लोग कोई बड़ा हॉल में अगर बड़ा हॉल में हम लोग चिल्लाए तो चिल्लाने के बाद वो क्या होता है वो जो साउंड होता है वो कोई भी वॉल के साथ टकरा के वापस आता है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो वो जो रिफ्लेक्शन जो साउंड कॉज करता है और वापस वो साउंड मुझे सुनाई देता है तो दैट मीन्स वो क्या है इको है। और एग्जांपल जैसे आप लोग माउंटेन पे गए ठीक है पहाड़ों पे और पहाड़ में अगर आप लोग जोर से चिल्लाते हो तो आप लोग को रिपीटेड साउंड सुनाई देता है। वो रिपीटेड साउंड किस लिए सुनाई देता है बिकॉज साउंड हार्ड सरफेस से टकरा के वो क्या होता है वापस आता है। ठीक है, वही क्या प्रोड्यूस करता है इको। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा इको का मतलब जब कोई भी अगर साउंड निकलता है ठीक है तो निकलने के बाद वो कोई हार्ड सरफेस पे टकरा के वापस जो आता है वो क्या प्रोड्यूस करता है इको। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इको। ठीक है, और यहाँ पे इको जो प्रोड्यूस होता है वो हमेशा हार्ड सरफेस होता है। सारा जो सरफेस होता है वो सारा सरफेस इको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम्पल अगर चारों तरफ मान लीजिए स्पॉन्ज है ठीक है और स्पॉन्ज जो रूम है वो स्पॉन्ज का है ठीक है और आप जोर से चिल्ला रहे हो ठीक है तो उस टाइम क्या होगा साउंड इको प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, उस टाइम क्या होगा सपोज ये रूम हो गया, अब ये रूम किससे बना है स्पॉन्ज से, स्पॉन्ज ठीक है, अब स्पॉन्ज भी स्पॉन्ज जो है सरफेस और आपने क्या किया यहाँ पे यहाँ से सपोज ये साउंड प्रोड्यूस कर रहे ड्रम बीट किया तो ये जो साउंड है वो सरफेस से टकराएगा लेकिन वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज ये जो सरफेस है स्पॉन्ज है ये क्या करेगा साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ये क्या करेगा साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा जिसके कारण वो जो साउंड है वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं आएगा। ठीक है, वापस रिफ्लेक्ट नहीं आएगा और जिसके वजह से इको प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, इको प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन वही चीज अगर हम लोग यहाँ पे सरफेस जो है वो सपोज हार्ड है दैट इज ब्रिक से बना हुआ है ब्रिक से। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे सपोज यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो ये जो साउंड है ये सिंस ये हार्ड सरफेस है तो ये क्या करेगा हार्ड सरफेस से टकरा के वापस वो क्या होगा वो वापस आ जाएगा दैट इज रिफ्लेक्शन कॉज करेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं इको। तो साउंड क्या प्रोड्यूस करेगा इको। ठीक है, तो इको प्रोडक्शन कब होगा जब दैट इज सरफेस क्या हो हार्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे
जो टाइम गैप होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी लिखा है, दैट इज जो मैंने आपको समझाया वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज एन इको इज ए साउंड विच इज रिपीटेड, दिस इज बिकॉज साउंड इज रिफ्लेक्टेड। इको उसको बोलते हैं जो साउंड क्या होता है, बार बार रिपीट आता है, ठीक है। हॉल में जैसे अगर आपको कुछ बोलते हो तो वो साउंड क्या होता है, रिपीट आता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज इको, ठीक है। जब साउंड बार बार रिपीट आए बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज इको, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया जो आपको दिया था, इफ वी स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए माउंटेन, अगर मैं माउंटेन पे खड़ा हो जाऊं और खड़ा होकर जोर से चिल्लाऊं, तो चिल्लाने के बाद वहां पे मेरा साउंड क्या आएगा, रिपीट आएगा, ठीक है। वो जो रिपीटेशन है वो किसके कारण आ रहा है, बिकॉज वो जो साउंड मैंने चिल्लाया तो चिल्लाने के बाद वो साउंड क्या हो रहा है, बार बार रिफ्लेक्ट हो के साउंड टकरा के वापस मेरा साउंड आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, दैट इज इको, क्या प्रोड्यूस करेगा, इको। फिर ऑल द टाइप्स ऑफ सरफेस डज नॉट कॉज इको, जितना भी सरफेस है इस दुनिया में, ठीक है, वो सभी इको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मैंने अभी दिखाया, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज इको प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये क्या करेगा, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। इको वही प्रोड्यूस करेगा सरफेस जो कि हार्ड होगा, ठीक है। इको प्रोडक्शन तभी होगा जब सरफेस का होना चाहिए हार्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट, व्हाई डू वी हियर इको इन लार्ज हॉल बट नॉट इन स्मॉल रूम, हम लोग इको जो होता है स्मॉल रूम में, स्मॉल रूम में इसको सुन नहीं सकते इको, लेकिन वही लार्ज रूम में इको प्रोड्यूस होता है, ऐसा क्यों, बिकॉज याद रखिएगा स्मॉल रूम में क्या होता है, जो साउंड होता है वो बहुत ही फास्ट ट्रेवल होता है, ठीक है। स्मॉल रूम में साउंड क्या होता है, बहुत ही फास्ट ट्रेवल होता है, यहाँ पे लिखा नहीं रहे, बिकॉज इन स्मॉल रूम साउंड रिफ्लेक्ट वेरी फास्ट, साउंड फर्स्ट रिफ्लेक्ट होके आ जाता है, ठीक है। लेकिन लार्ज रूम में क्या होता है, जब भी आप लोग लार्ज बड़ा हॉल में बोलोगे तब जो आपका साउंड होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे जाके रिफ्लेक्ट होके धीरे धीरे आएगा, इसलिए हम लोग क्या, दैट इज बड़ा हॉल में हम लोग सुन सकते हैं लेकिन छोटा हॉल में हम लोग सुन नहीं सकते, ठीक है। तो स्मॉल रूम में याद रखिएगा साउंड रिपीट होता है लेकिन वहां पे इको प्रोड्यूस नहीं होता, क्यों, बिकॉज साउंड रिफ्लेक्ट बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। लेकिन हॉल में साउंड क्या होता है, रिफ्लेक्शन, साउंड का रिफ्लेक्शन बहुत ही स्लो होता है, इसलिए हम लोग को इको सुनाई देता है, ठीक है। फिर तो यहाँ पे वही लिखा, बिकॉज इन स्मॉल रूम साउंड रिफ्लेक्ट वेरी फास्ट, सो वी आर नॉट एबल टू हियर आवर वॉइस बीइंग रिपीटेड, इसीलिए क्या होता है साउंड बहुत ही तेज क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है स्मॉल रूम में, इसलिए हम लोग रिफ्लेक्ट साउंड सुन नहीं सकते। लेकिन लार्ज रूम में हम लोग का ऐसा केस नहीं होता है, वहां पे क्या होता है बहुत ही टाइम मिलता है, वहां पे धीरे धीरे जाके साउंड रिफ्लेक्ट होता है फिर वापस हमारे कान में आता है, ठीक है, वो रिपीटेड साउंड। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ नोट है जो आपको याद रखना है, टू हियर डिस्टिंक्ट इको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपको इको सुनना है तो याद रखिएगा जो ओरिजिनल साउंड में निकाल रहा हूं और जो मेरा रिफ्लेक्टेड साउंड जो आएगा उसका टाइम गैप हमेशा 0.1 सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। जो ओरिजिनल साउंड यहां से, सपोज यहां पे एक हार्ड सरफेस है और यहां पे सपोज एक स्पीकर है, ठीक है, स्पीकर, अब स्पीकर से क्या निकला, आवाज निकला, ठीक है, साउंड निकला। अब ये साउंड टकराने के बाद, ये हार्ड सरफेस से टकराने के बाद वापस आएगा, ठीक है। तो ये जो ओरिजिनल साउंड निकला, ओरिजिनल साउंड, ठीक है, ये ओरिजिनल साउंड, और ये जो रिपीटेड साउंड है, रिपीटेड साउंड, ये ओरिजिनल साउंड और रिपीटेड साउंड का जो टाइम गैप है याद रखने का 0.1 सेकेंड, तभी ये इको प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं तो इको प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ठीक है। तो द गैप बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड रिपीटेड साउंड शुड बी 0.1 सेकेंड, ठीक है। जो टाइम इंटरवल होगा इन दोनों का बीच में कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड, तभी जाके हम लोग इको सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको, कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ताकि हम लोग इको, कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ताकि हम लोग इको हम लोग आराम से सुन सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर ये सरफेस हो गया, अगर ये स्पीकर हो गया,
तो स्पीकर और सरफेस का बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए शुड बी 17.2 मीटर। अगर इतना हुआ तभी जाके इको प्रोड्यूस होगा। अगर उससे सामने हो गया, 17.2 मीटर से सामने हो गया तो इको प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो डिस्टेंस है बिटवीन द और दैट इज स्पीकर एंड सरफेस शुड बी 17.2 मीटर। ठीक है, तब जाके इको का प्रोडक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट ऑफ इको दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट दैट इज इको का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें का बचा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।